जी जनाब, वक्त है आपके सोशल मीडिया मैसेजेस का। जी गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है, उठ जाएं। आप एक टीवी शो की होस्ट है लाइव ऑन एयर। जी मैं बोलने लगी थी सर। अच्छा जी, अच्छा जी, तस्वीरों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहली तस्वीर हमें भेजी है मायरा और मोहसिन जमील ने पंचपीर से, आइए देखते हैं। जी मायरा और मोहसिन की एंट्री हो गई है पंचपीर वालों। वाह जी वाह, फातिमा बहुत प्यारी है वैसे, हैं ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस भाई पंचपीर। तो बस दिल कर रहा है कि जाए और इधर जाने को मेरा दिल कर रहा है, इधर है ना, और इस आबशार के अंदर ऊपर से तुम छलांग मारो। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं आपकी जान छोड़ूंगी। ये दिली ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी नहीं हो सकती कि जाओ मैं तुम्हें धक्का मारूं। वेरी नाइस भी, बहुत अच्छी तस्वीर है, वेरी नाइस। अच्छा जी, उसके बाद हमें आशिया ने तस्वीरें भेजी हैं मुल्तान से, आइए देखते हैं। ओके जी, मुल्तान वालों की एंट्री हो गई है भाई। आशिया ने बड़ी ड्राइंग की है जी। आशियान ओ आशियान, जबरदस्त नाम है ना, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये मेरा दोस्त, ये मुझे बहुत ही क्यूट लगते हैं भाई, टॉम एंड जेरी का टॉम है। आपकी दोस्त आ गई, मेरी दोस्त आ गई, उसे गले में देखा है, वो पाकिस्तान का, वो है पाकिस्तान का, उसने जनाब चांद सितारा पहना। बिल्कुल जी, उसके बाद हमें ईशल फातिमा ने तस्वीरें भेजी हैं बस्ती महबूब गोबल लाइए जी। इधर मेनू दियो जी, इधर मेनू दियो जी। हेड पंजनत से, गबोल से, बस्ती महबूब में ही रहती हैं, गबोल हेड पंजनत में, और इनका नाम है फातिमा, ईशल फातिमा। लो जी, ये हो गया नाम पता एड्रेस, और अब इनकी तस्वीरें देखिए। ईशल फातिमा कितनी प्यारे तुमने दरख्त कैप्चर किए हैं, वेरी गुड, शाबाश। ओए होए हो, तो बड़ी दुखिया सी तस्वीर है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ईशल वेरी नाइस। ओए ये क्या सीन है, जनाब बताएं क्या हो रहा है। ये नूडल्स हैं। एग्जैक्टली, सेवइयां कहते हैं इसको जी, मतलब देसी, वही 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 नूडल्स नहीं है, सेवइयां हैं। अच्छा अच्छा, ओए होए होए होए, ये क्या है, मछली है जी फातिमा, इसको मछली कहते हैं। हाँ ये सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है, ये पानी में तैरती है, इसका फिलहाल इसका सर किराए पे हमने दिया हुआ है, खाली बॉडी इस वक्त रखी हुई वही, वेरी गुड, गर्मा गर्म मछली जी। उसके बाद हमें सरमद अता ने तस्वीरें भेजी हैं शहबाज खेल डिस्ट्रिक्ट मियांवाली से, आइए देखते हैं। बिल्कुल जी, ओहो जबरदस्त भी, मियांवाली वालों ने तो ऐसा सब्जा उगा दिया है, वेरी नाइस ब्यूटीफुल, जबरदस्त फूल भी आ गए जी, क्या प्यारे फूल है, क्या प्यारे फूल है, एक्सेलेंट। ओ तीनू मीनू चीनू, तीनू मीनू कह रहे हैं उधर का मंजर ज्यादा अच्छा है, चीनू कह रहे नहीं उधर ज्यादा अच्छा है जी। अब ये नाराज ही हो गई है पीनू आपकी। नहीं नहीं, चीनो का बड़ा सीन है, ब्यूटीफुल, जबरदस्त भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने दोस्तों से मिलवाया हमें। अच्छा जी, उसके बाद हमें लारेब जफर ने तस्वीरें भेजी हैं रावलपिंडी से, आइए देखते हैं। लो जी, लारेब क्या कहती है, वो डॉल हाउस बनाया, और ये मुझे लगता है कि मतलब खुद बनाया, क्या ये मुझे खुद बनाया हुआ नहीं, खुद बनाया हुआ मॉडल, शहजाद ने तस्वीरें भेजी है मुल्तान से, आइए देखते हैं। प्यारे दोस्त मेरे, ये सब कुर्बानी से बच गए थे और अब ये पार्टी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं चलो अभी हम जो बच गए हैं आओ जरा सैर पे जाएं और पार्टी करें, वेरी नाइस। अच्छा जी, जो तस्वीरों का सिलसिला वो यहाँ पे खत्म हुआ, आप चलते हैं मैसेजेस की तरफ, और हमें अमीर ने बहावल नगर से मैसेज भेजा और वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मैं क्लास 7th का तालिब इल्म हूँ, मैं बहावल नगर के एक छोटे से गांव में रहता हूँ, मेरा स्कूल घर से चंद किलोमीटर के फासले पर है, सुबह सुबह पैदल स्कूल जाते वक्त जब मैं अपने गाँव की गलियों से गुजरता हूँ तो हर घर से राइजिंग पाकिस्तान के म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होती है, जो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका शो बहुत अच्छा है, थैंक यू। थैंक यू मैर, बहुत शुक्रिया, जीते रहो, और अपने जनाब गांव की कुछ तस्वीरें भी हमें भेजो, और ये बताओ मैर कि आपको हमारा कौन सा सेगमेंट अच्छा लगता है, कि तुम्हें पेंटिंग का शौक है, म्यूजिक का शौक है, किसी खेल का शौक है, अपने बारे में थोड़ा तफसील से बताओ, क्लास 7th के तुम स्टूडेंट हो,
और ये भी बताओ कि फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। तो मैं आपकी हमारी दोस्ती चलनी चाहिए। अच्छा जी, मिसेस कौसर इम्तियाज़ ने हमें मैसेज भेजा लेकिन आपने अपना शहर नहीं बताया हमें। मैं इस प्रोग्राम के होस्ट को गाहे बगाहे मशवरा देती रहती हूँ, वो अलग बात है कि कभी पैगाम शामिल नहीं हुआ। आज भी कह देती हूँ कि ये फातिमा आपको लाइट कलर ज़्यादा सूट करते हैं, डार्क कलर्स में आप ज़रा थोड़ी दुबली लगती हैं। ओके, देखें आज मैंने इतफाक से लाइट कलर पहना है। ओ भाई, कितने गौर से मिसेस, क्या नाम है इनका जी? मिसेस कौसर इम्तियाज। मिसेस कौसर इम्तियाज, भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी डिटेल में आप हमारा प्रोग्राम देखती हैं। और बाकी आमना बताती है कि मशवरे आप जैसे बहुत से नाजरीन के साथ साथ आते रहते हैं और हम उसको अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट भी करते रहते हैं। बहरहाल इतनी बारीक बीनी से प्रोग्राम देखने का और पसंद करने का बहुत शुक्रिया जी। उसके बाद हमें आकिब हुसैन ने पिंड दादर खान से मैसेज किया और वो कहते हैं, तो असीक अंकल, आपकी मिलियन डॉलर एडवाइस पर बात करना चाहूँगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा था, हमारे घर में बहुत से दरख्त हैं, हमारे वालदैन हमें दरख्तों के नीचे आग जलाने से मना करते हैं और हम भी दरख्तों से बहुत प्यार करते हैं। दरख्तों से हमें बहुत से फ़ायदे मिलते हैं, जैसा कि दरख्त हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं और ये जानवरों का मस्कन भी हैं। बिल्कुल आकिब, थैंक यू वेरी मच। और यही हमारी कोशिश होती है कि हम चाहे कोई चरिंद परिंद है, कीड़े मकौड़े हैं, ये सब अल्लाह ताला की मखलूक है और बेजा इन पे ना जुल्म करना चाहिए और ना सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हम क्योंकि इंसान हैं तो हम बहुत कोई बड़े इंसान हैं और तुम जो हो एक बकरी हो या तुम जो हो एक भालू हो और तुम्हारी हमें ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात बनाई है, बहुत हमें रब बहुत प्यार भी करता है और उसके जवाब उसका शुक्र ऐसे हम अदा कर सकते हैं कि हम अपनी दरख्तों को, पौधों को, भेड़ बकरियों, दूसरे जानदारों का ख्याल रखें। बिल्कुल जी। अच्छा जी, आज का आखिरी मैसेज शामिल करते हैं। रानी हैं गुजरात से और वो कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं पिछले 10 साल से पीटीवी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में अपना पैगाम भेज रही हूँ लेकिन कभी शामिल नहीं हुआ सर। पीटीवी बहुत ज़बरदस्त चैनल है। देखें आज शामिल हो गया रानी। ये कैसे हो सकता है, 10 साल से तुम इसी काम पे लगी और आज तक भैया आमना कि मैं अभी क्लास लेता हूँ, है ना कि रानी का मैसेज क्यों पहली दफा शामिल हुआ है? मतलब ये नहीं कि क्यों पहली दफा शामिल हुआ है, क्यों अभी तक शामिल नहीं हुआ था। तो रानी थैंक यू वेरी मच, जीती रहो, खुश रहो और प्रोग्राम को पसंद किया आपने, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना चैनल है जिसका नाम पीटीवी होम है, आपका अपना शो है जिसका नाम राइजिंग पाकिस्तान है। आप जब चाहें कोई भी कॉमेंट करना चाहें, फील फ्री, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके लिए हाजिर है। अच्छा जी जी, सिलसिला ये खत्म हुआ और मैं कल से चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, क्योंकि ब्रेक के बाद जो है आगे सिलसिला चलाना है। एग्जैक्टली, आपकी सायरा से मुलाकात करवानी है, सायरा अली खान जो पीटीवी नेशनल की मॉर्निंग शो होस्ट है, सिंधी जबान में आपके लिए रोजाना सुबह 9 से 11 शो सजा के लाती है। आज हमने उनको जरा इस एंड में बैठाना है मेहमान के तौर पे और कुछ दुख सुख करने हैं शो, मॉर्निंग शो होस्ट के अपने जो दुख सुख होते हैं ना वो भी हम ऑन एयर करेंगे आपके सामने। बिल्कुल, रहिए हमारे साथ, अभी मिलते हैं।